शुभ दिन में बहुत बहुत स्वागत करती है उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 एंड दिस इज एन ऑस्पिशियस डे फॉर द कटिंग रेजिंग सेरेमनी वेल आई वांट टू थैंक स्पेशली टू आर मीडिया एसोसिएट्स और आई वुड से आर एक्सटेंडेड फैमिली जिनके साथ ये रात थोड़ी आसान हो जाएगी मीडिया एसोसिएट्स का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद क्या एक बार मीडिया एसोसिएट्स के लिए भी जोरदार तालियां हो सकती है

जो वंडरफुल अपॉर्चुनिटी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत को मिलने वाली है उसके बारे में हम जानने वाले हैं लेकिन इससे पहले बस मैं एक बात कहूंगी कि जब कोई शहर बढ़ता है तो राज्य बढ़ता है और राज्य बढ़ता है तो देश बढ़ता है और जब देश बढ़ता है तो अपने आप विश्व बढ़ता है तो सभी का साथ होगा और तो आप सभी का साथ होगा तो उत्तराखंड की ये इनिशिएटिव बहुत ही आगे जाएगी इसी के साथ आप सभी से मैं दरख्वास्त करूंगी आप सभी से निवेदन करूंगी फॉर द वेलकम एड्रेस प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिसेस राधा एस रतुरी जी ऑन डाइज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड फॉर एड्रेस सभी को उत्तराखंड देवभूमि की ओर से नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव और मंच पर उपस्थित सभी इंडस्ट्री के बहुत बड़े बड़े महानुभाव और इस सभागार में उपस्थित इंडस्ट्री के सभी आमंत्रित सम्मानित अतिथिगण और विशेष रूप से हमारे सभी मीडिया बंधु भाइयों बहनों उत्तराखंड सरकार के बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आज हिंदी दिवस भी है हिंदी दिवस की भी मैं आप सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ और बहुत ही शुभ दिन है क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टर्स समिट का जो कर्टन रेजर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में आज आयोजित किया गया है ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत ही एक शुभ संकेत है अच्छे लोकेशंस आपके पास हैं हम लोगों के पास हैं तो आप लोग आइए उत्तराखंड इन्वेस्ट इन उत्तराखंड दैट इज द मैसेज दैट दिस कर्टन रेजर इज गिविंग और uh, हम लोगों के यहाँ एक और बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज़ अ वेरी पीसफुल स्टेट तो पीस टू प्रॉस्पेरिटी दैट इज़ ऑल्सो आ मोटो विच हैज़ बीन लॉन्च बाई ऑनरेबल सी एम इन देहरादून ड्यूरिंग आर लोगो लॉन्चिंग तो पीस से प्रॉस्पेरिटी की ओर हम लोग प्रदेश को ले जाएंगे और आप सभी के योगदान से आप सभी की ओनरशिप से निश्चित रूप से ये इन्वेस्टर्स समिट बहुत ही कामयाब होगा और हमारे प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाने में बहुत मील का पत्थर साबित होगा और मैं पुनः उत्तराखंड सरकार की ओर से और माननीय मुख्यमंत्री की ओर से आप सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड वेल थैंक यू वेरी मच मैम फॉर योर वॉर्म वर्ड्स पीस टू प्रोस्पेरिटी वेलकम टू उत्तराखंड थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल मैसेज कैन वी ब्रिंगिंग सम एनर्जी एवरीबॉडी इट वॉज अ वंडरफुल वंडरफुल वॉर्म वेलकम फॉर ऑल ऑफ अस नाउ प्लीज हेल्प मी फॉर द की नोट एड्रेस help me to welcome dr ss S. sandhu chief secretary government of uttarakhand on dais i would like to request you sir please say a few words about uttarakhand global investors summit 2023 all over to you sir thank you honorable chief minister sir my friends from industry and media and my colleagues आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं जैसे राधा जी ने अभी बताया कटन रेजर के ओकेजन पे उन्होंने ये भी बताया उत्तराखंड के क्या एडवांटेजेस हैं उन एडवांटेजेस को मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहूँगा क्योंकि हर स्टेट लगभग हर स्टेट इन्वेस्टर मीट करती है हम भी कर रहे हैं रिसेंट पास में बहुत स्टेट्स ने भी किया माई फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया एंड इंडस्ट्री दे आर ऑल अवेयर ऑफ इट तो इस ओकेजन पे हमारी ड्यूटी बन जाती है थोड़ा बताना कि वाई उत्तराखंड बिकॉज जिसने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो अपना जिसने अपना पैसा लगाना है वो बहुत ड्यू डिलीजेंस के बाद ही लगाते हैं और सभी स्टेट्स की सभी अपॉरचुनिटी को वो एग्ज़ामिन करेंगे ड्यू डिलीजेंस करेंगे जहां उनको लगेगा कि यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है उनका अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट मेकिंग और एडिंग वैल्यू टू द सोसाइटी जो भी ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जहां उनको लगता है कि दिस प्लेस विल सर्व द ऑब्जेक्ट बेस्ट दे विल सेलेक्ट दैट प्लेस हम दिल्ली में बैठे हैं और सबसे बड़ा उत्तराखंड का एडवांटेज है कि वी आर सो क्लोज टू एन सी आर रादर मैं कई बार कह चुका हूँ आज फिर रिपीट करूंगा आई अक्सर मैं कहता हूँ कि देहरादून एंड उत्तराखंड इज नॉन पोल्यूटेड पार्ट ऑफ एन सी आर इफ यू टेक ट्रेवल टाइम नॉट द किलोमीटर्स एज मेजर ऑफ डिस्टेंस एन सी आर में कितने हिस्से हैं जहाँ आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने तक दो तीन घंटे तक भी लगता है विद एन सी आर चार घंटे भी लगते हैं और देहरादून अभी छः महीने में आप दो घंटे में पहुँच जाएंगे जो सड़क बन रही है देहरादून ही नहीं कमाऊ में काशीपुर नैनीताल ये आपके जितने शहर हैं स्टार्टिंग फ्रॉम देहरादून हरिद्वार कोटद्वार काशीपुर रुद्रपुर स्तारगंज ये सारी बेल्ट जो है तराई की सभी की कनेक्टिविटी दिल्ली से इम्प्रूव हो रही है प्रोजेक्ट इस समय इम्प्लीमेंटेशन में हैं और छः महीने से डेढ़ साल तक ये सभी प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे और आप दो से तीन घंटे में उत्तराखंड के डिफ़रेंट सिटीज़ में पहुंच पाएंगे ये सबसे बड़ा आपको एडवांटेज है क्योंकि आप दिल्ली में आप जानते ही हैं कि कुछ महीने पोल्यूशन और ट्रैफ़िक से आप इतने परेशान रहते हैं कई लोग हमारे फॉरेन सर्विस के दोस्त भी बताते हैं कि जो एम्बेसीज़ में लोग हैं उन दिनों में जब इतनी ज़्यादा स्मॉग और फॉग हो जाती है तो बहुत लोग बहाना ढूंढते हैं कि यहाँ से किसी तरह हम कुछ दिन के लिए जब तक ये मौसम क्लियर नहीं होता हम जहाँ से निकलें उसमें केवल डिफरेंट गवर्नमेंट्स ही ब्लेम करने को नहीं है जहाँ की एक जोग्राफिकल सिचुएशन ऐसी हो जाती है वी आर ऑल अवेयर कि उस समय विंड ब्लॉसटी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है एम्पलोजन टाइप एक सिचुएशन डेवलप हो जाती है जहाँ सारा धुआँ व्हीकल्स का या फैक्ट्री का या पार्टिकल्स यहीं घूमते रहते हैं ऊपर नीचे तो जब तक वो विंड नहीं आती तब तक कई बार महीनों तक देहरादून, दिल्ली में रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है पोल्यूशन के कारण और जिन लोगों को कोई लंग्स वगैरह के इश्यूज हैं वो तो दे आर थिंकिंग ऑफ सेटलिंग एल्सवेयर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स सेकंड आपको किसी भी सेक्टर में आना है चाहे टूरिज्म है चाहे इंडस्ट्री है आपको जो चीज़ें केवल घर के लिए नहीं चाहिए इंडस्ट्री के लिए भी चाहिए बिजली सड़क पानी बिजली हमारी वन ऑफ द चीपेस्ट इन द कंट्री है सड़क की मैं बात कर चुका हूँ और इट्स नॉट ओनली कनेक्टिविटी फ्राम डेली और फ्राम अदर प्लेसेस इट्स द कनेक्टिविटी विद इन द स्टेट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग एट वेरी वेरी फास्ट पेस पानी की दिक्कत नहीं है हिमालय में जो बारह महीने हमारा स्नो और आइस से कवर्ड हिमालयन पीक्स हैं हमारे पास प्रेनियल रिवर्स हैं गंगा जी हैं जमुना जी हैं और भी इतनी नदियां हैं जो इन ग्लेशियर से निकलती हैं और बारह महीने चलती हैं कितनी और स्टेट्स हैं आप रोज़ अखबार में पढ़ते हैं कितनी स्टेट्स के आपस में वाटर के डिस्प्यूट चल रहे हैं बीसों साल से चल रहे हैं अभी कोई सेटलमेंट उनकी सामने दिखती नहीं है और कई इंडस्ट्री हैं जो ज़्यादा पानी कंज्यूम करने वाली हैं वो उधर सोच भी नहीं पाती कि हम उन स्टेट्स में जाएं हमारे पास ईश्वर ने पानी का भी एक दुनिया का सबसे बड़ा वाटर टावर जो हिमालय के ऊपर दिया हुआ है